वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज ए टू जेड कैटरी शाहीन नगर वादी मुस्तफ़ा में, और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को किटन्स कैट्स बतलाने वाला हूँ। तो सारी डिटेल बात करेंगे हम अजीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। फिर से अजीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भैया। अजीम भाई, आपका एड्रेस शाहीन नगर वादी मुस्तफ़ा। हाँ, वादी मुस्तफ़ा। और वादी मुस्तफ़ा का बस स्टॉप है ना? हाँ, लास्ट बस स्टॉप के पास भी आते पिक कर लेंगे। बाजू में है। ठीक है, तो अभी आपके पास कितने कैट्स किटन्स है अवेलेबल? 4 किटन्स है और 10 कैट है बड़े। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए आप लोग। और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल? हाँ, अवेलेबल है। सबसे पहले ये वाले 3 हैं, कौन से कलर में? एक वाइट है, एक जिंजर कलर में और टैबी है। हाँ। ठीक, तो अभी ये 3 क्या एज के हैं? ये दो महीने के हैं। दो महीने के, 2 मंथ्स ओल्ड है। और मेल फीमेल है इसमें? हाँ, ये एक नीचे मेल है, ये 2 फीमेल है। अच्छा, नीचे वाला ये टैबी कलर वाला मेल है और ये दोनों फीमेल्स? दोनों फीमेल्स है। ठीक है, क्या एज के बतलाया गया? दो महीने के, 2 मंथ्स ओल्ड है। और तीनों भी येलो आइस में है ना? डॉल्फिन। हाँ, येलो आइस में से डॉल्फिन। क्या प्राइस है इनका स्किन? 3,200 रुपये। 3,200 में 3 भी? एक ईच वन। 3,200 में ईच वन एक है? 3,200 आस्किंग प्राइस है देखिए ईच वन का। और ये नेगोशियबल भी हो जाएगा? हाँ, स्लाइटली नेगोशियबल कर देंगे आप। तो ये तीनों में से कौन सा भी अगर एक ले रहे हैं तो 3,200 रहेंगे। 3,200। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो लीजिए। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, और ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है, कितने मंथ्स की है? 3 से 3.5 महीने की रहती है। 3 से 3.5 महीने की, नॉर्मल फेस के अंदर है और फर क्वालिटी भी एवरेज है। इसके बाल कटाए थे? नहीं, नॉर्मल बाल है ना? जी हाँ, नॉर्मल फर है। और यानी सिंगल कोट है देखिए। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? 3,000 रुपये। 3,000 इसका आस्किंग प्राइस है। नेगोशियबल है इसमें? हाँ, कर देंगे स्लाइटली नेगोशियबल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो लीजिए। नेक्स्ट में ये एक है और ये कैलिको है। हाँ, कैलिको है, पंच फेस है। कैलिको पंच फेस के अंदर है। और लेंथ बतलाइए इसके आप। माशाल्लाह। और क्या एज है इसकी? ये 8 से 10 महीने की है। 8 से 10 महीने की है, 8 to 10 months ओल्ड है देखिए। और अभी प्रेग्नेंट है? खाली है। खाली है, हीट पे आई थी, नहीं कराया इसको। अच्छा, खाली है, हीट पे आई थी, मेटिंग कराई नहीं आप। क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? 12,000 रुपये। 12,000, 12,000 आसिंग प्राइस है। पंच फेस है, 10 मंथ्स ओल्ड बोले आप? हाँ, 10 मंथ्स। 10 मंथ्स ओल्ड है और अभी मीटिंग हुई नहीं इसकी, खाली है। खाली है। ठीक है, इसमें नेगोशियबल भी हो जाएगा? हाँ, कर देंगे नेगोशियबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये एक स्पॉटलेस मेल है और माशाल्लाह देखिए डॉल फेस बहुत तैयार। और इनके बाल कटाए हुए हैं, आप टेल पे देख सकते हैं, अच्छे बाल है, लेकिन जो ऊपर के बाल है थोड़े कम। कटिंग करे थे इसके बाल? जी जी बिल्कुल। और पैर वगैरह पूरे बॉन्ड कंडीशन में। डॉल डबल फेस है, आईज के अच्छा है, साइज येलो आईज है। बहुत ज़्यादा यानी फेस इसका अट्रैक्ट देखिए। क्या एज है इसकी? इसके 2 साल है बराबर। 2 साल, 2 ईयर्स ओल्ड। प्रूवन मेल है? प्रूविंग मेल है। इसके ही बच्चे अभी 3 जो बच्चे बताना किटन। अच्छा, इसी के हैं वो। ओके, क्या प्राइस है इसका सिंह? इसका 3,500 रुपये है। 3,500, 3,500 के अंदर स्पॉटलेस बड़ा वाला मेल अवेलेबल है देखिए। डॉल फेस है, येलो आइस है और इसमें भी नेगोशियबल है? हाँ, स्लाइटली कर देंगे। स्लाइटली नेगोशियबल कर देंगे आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, ये टॉर्टिशल है। और क्या एज है इसकी अजीम भाई? ये 1 साल की है भाई बराबर। स्टीम पंच मेल से गाबे वाले आगे वाले। अच्छा, खाली के हिसाब में देना। 1 साल की है। अच्छा, एक्सट्रीम पंच से मीटिंग हुई के सामने वाले बतला? सामने वाले बता रहे हैं, खाली के हिसाब में। खाली के हिसाब में आपका सेल परचेस का काम? सेल परचेस। आप परचेसिंग भी करते हैं? ठीक है, कितने टाइम की मीटिंग हो सकती है इसकी? यानी ये मेटेड है 20 से 25 दिन की, कंफर्म गावे बन के बताए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से है ये लोडेड? हाँ, लोडेड तो है मेरे हिसाब से। एज अच्छा, भी बता रही जी, पर खाली के हिसाब में अपने को दे देना। ओके, क्या प्राइस में देंगे आप? ये 3,500 रुपये। 3,500, 3,500। आपके पास सेल जल्दी होने का रीज़न ही है ना? यानी प्राइस अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है वो लीजिए। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, फीमेल है। ये फीमेल है, क्या एज है इसकी? ये भी 1 साल की है। 1 साल, 1 ईयर ओल्ड है। अभी लोडेड है या खाली है? खाली है अभी तो। खाली है, नहीं एम्प्टी है। देखिए लोडेड नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है। फेस बतला इधर, ये खुद बतला दी, डॉल फेस येलो आइज। क्या प्राइस है इसका? 3,500। 3,500, 3,500। नेगोशियबल है इसमें? हाँ, नेगोशियबल कर। और ये ग्रीन आइस में है ना? लाइट ग्रीन, येलो भी नहीं है उतने, ग्रीन भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, मेल है। ये मेल है और क्या एज का है जिम भैया? 1 साल का है। 1 साल, 1 ईयर ओल्ड है। डॉल फेस में है, लेंथ बतलाइए इसकी। ठीक है, क्या प्राइस है? सेम 3,500।
अच्छा आज ऑफर है 3,500 के अंदर ये भी मिल जा रहा है आप लोगों को जिंजर कलर स्टड मेल है, स्टड मेल है ये भी, ठीक है बेटे। और ये सभी प्राइसेस स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएंगे, स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, ये एक फीमेल है, ये फीमेल है, क्या एज की है? 1 साल की है, एक बार बच्चे दी भी है, 1 ईयर ओल्ड है, 1 टाइम लिटर्ड भी है। हाँ। जी और अभी प्रेग्नेंट है या खाली है? अभी बोल नहीं सकते, मेल के साथ थी। अच्छा मेल के साथ थी तो कंफर्मेशन नहीं है। क्या प्राइस है इसका? सेम 3,500 3,500 इसका भी आस्किंग प्राइस। इसमें नेगोशिएबल है? सब में कर देंगे स्लाइट, इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, ये मेल है या फीमेल? मेल है ये, ये मेल है। और क्या एज है इसकी? इसकी है 15 महीने का, 15 महीने 15 मंथ्स ओल्ड है, नेवी कलर में है, येलो आइस डॉल फेस, और काफ़ी लेंथ है इसकी, लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, बड़ी है बहुत ज़्यादा। क्या प्राइस है इसका? 3,000 रुपये, 3,000 इसका आस्किंग प्राइस है। इसके कलर की वजह से कम है प्राइस? हाँ वैसे दे देना नेक्स्ट वीडियो का ही है। हाँ हाँ कॉल करे थे एक जन हमारे, एडवांस लगाए कॉल नहीं कर रहे, फिर कोई हिसाब से कम में दे देना। कैट्स में भी होता है एडवांस लगा के फिर? हाँ 500 रुपये भैया ना डाले, उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कोई जवाब भी नहीं दिया, मैं इतनी देर वेट भी कर लिया उनके लिए। अच्छा ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट आएंगे उनके लिए आप दे देंगे? दे देंगे। 3,000 में नेगोशिएबल है? स्लाइटली कर देंगे, 3,000 में भी स्लाइटली नेगोशिएबल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये ग्रे कलर की कैट है और फीमेल है, फीमेल है। इसके कान के बाल निकल गए? हाँ थोड़े से बाल निकले हुए हैं, कोई फंकस वंकस कुछ भी नहीं है, पूरा साफ बाल भी है बारीक बारीक। अच्छा बाल कम है थोड़े बस इतने। जी और क्या एज है इसकी? इसकी है 15 से 16 महीने की है, 15 से 16 महीने 15 to 16 हाँ, दो बार बच्चे दी भी है, 2 टाइम लिटर्ड है। हाँ। अभी खाली है? अभी बोल नहीं सकते, पेट तो बता रही, गाप हो सकती, मेल के साथ में थी। अच्छा क्या प्राइस है इसका? इसका भी 3,000 रुपये, 3,000 इसका भी आस्किंग प्राइस है, 3,000। इसमें भी नेगोशिएबल है? स्लाइट कर देंगे, स्लाइटली कर देंगे। ओके देखिए किटन्स का खेल देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी अपने में खेलते ही रहते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो लीजिए, नेक्स्ट में ये एक है आपके पास और इसकी क्या एज है जिम में? ये है 1 साल के ऊपर की है भाई, 1 साल के ऊपर? हाँ 1 साल के ऊपर, 1 ईयर प्लस और 1 महीने की कन्फर्म वाइट मेल जो बताया ना अभी, जी उसी बच्चों की माँ है ये। अभी जो 3 किटन्स बताया ना पहले में, हाँ यानी ये बच्चों के साथ, हाँ ये बच्चों की माँ है और 1 महीने कंफर्म वाइट मेल से गाव है। अच्छा जो अभी स्टड मेल बताया, हाँ स्टड मेल बता, वाइट मेल से गाव है, पेट भी बता रही। और कितना टाइम लगेगा डिलीवरी होने? और 35 दिन लगेंगे कंफर्म 1 महीने की गाव है। अच्छा और 35 डेज के अंदर इसके किटन्स आ जाएंगे? हाँ किटन्स आ जाएंगे। नॉर्मली कितने बच्चे देती है? 5 बच्चे देती है हर बार, हर बार 5। अब कुछ आगे पीछे हो सकते हैं? हाँ आगे पीछे हो सकते, बड़े तो एक आध बढ़ भी सकता, या नहीं तो 5 भी दे, दो बार भी 5-5 बच्चे दी हुई अभी। जी जी क्या प्राइस है इसका? इसका 4,500 रुपये है, 4,500 4,500 कन्फर्म 1 महीने की गाबे वाइट मेल से। ओके और इसमें नेगोशिएबल भी हो जाएंगे? स्लाइटली कर देंगे, स्लाइटली नेगोशिएबल कर देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये एक है आपके पास और ये टॉर्टिशल है? हाँ टॉर्टिशल है, डॉल फेस है, येलो आइस है। और क्या एज है इसकी? 1 साल की है, 1 साल 1 ईयर ओल्ड। अभी लोडेड है या खाली है? भी लोडेड बल्कि है मेरी, खाली के हिसाब में दे देना है। अच्छा लोडेड यानी प्रेग्नेंट हो सकती है लेकिन फिर भी खाली के हिसाब में? खाली के हिसाब में दे देना। क्या प्राइस है इसका? इसका भी 3,000, ये भी 3,000 में, ठीक है। इसमें भी नेगोशिएबल है? कर देंगे, स्लाइटली कर देंगे। और क्या है आपके पास? और क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जेस क्या आते हैं जी भाई? ट्रांसपोर्टिंग के लिए चार्जेस भैया अपने हावड़ा तक 3,000 रुपये ले रहे हैं अपन, हावड़ा तक। हाँ हावड़ा और ये अपने कटियाल 3,000 यानी बॉक्स के? एक बास्केट के 3,000। एक बास्केट में कितने आते हैं? एक ही आते, बड़े रहते हो, बच्चे रहते 3 आते, बच्चे 3 आते। अगर कोई किटेंस जैसे ये 3 कोई एक साथ ले लेंगे? हाँ 3 आते, 3,000 में एक ही बास्केट के अंदर चले जाएंगे, एक ही बास्केट के अंदर चले जाते हैं। अच्छा ये बास्केट भी आएंगे उसके अंदर? हाँ बास्केट भी आ जाएंगे, बास्केट लेके बेटे यानी बास्केट के साथ ही चार्जेस? हाँ बास्केट है साथ में, तो ग्रेवी के पैकेट है, बिस्किट भी है उन लोग के साथ में। अच्छा ये सब चीज़ें मिला के? सब चीज़ें मिला के। नॉर्मली अगर कोई बास्केट खरीदते हैं तो क्या प्राइस में रहती है? बास्केट खरीद लिया था टिकट के पैसे दे देना पड़ता आने देने, बास्केट बतलाइए आप। अच्छा ये भी है? एक है अभी बास्केट में रखे उसको, ये एक वाइट फीमेल है। अच्छा वाइट फीमेल है, क्या एज है इसकी? ये 1 साल की है, 1 ईयर ओल्ड है। हाँ और ये भी येलो आइस में है, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट। क्या प्राइस है इसका? इसका 4,500 रुपये, 4,500 4,500। लेकिन ट्रिपल कोट फर क्वालिटी है देखिए इसमें, बहुत ज़्यादा फर है और एकदम सिल्की, बहुत यानी अंगोरा रैबिट जैसे देखते हैं आप वैसी वाली,
खूबसूरती में भी। क्या प्राइस बोले आप इसका? 4,500। 4,500, 4,500। हाँ, और ये वाली बास्केट है आपके पास, तो यानी बास्केट के अंदर ऐसे सेट होके जाते हो? एक ही कैट आती बड़ी डालने के बाद। बड़ी एक आती क्योंकि ट्रांसपोर्ट लंबा होता तो आराम से जाने के लिए एक रखना पड़ता। और ये दो ग्रेवी के पैकेट भी आते हैं? हाँ, ये ग्रेवी के दो पैकेट आते हैं इसके साथ में, और बिस्किट दे डालता हूँ थोड़ी सी। ओके, बिस्किट भी दे देने के लिए। नॉर्मली ये बास्केट क्या प्राइस की रहती? ये बास्केट है 250 रुपये, 250 रुपये की बास्केट है, 50 रुपये की ग्रेवी है एक एक जी। तो ये सब साथ में हाफ के जी बिस्किट भी दे रहा हूँ मैं, फ्री हाफ के जी बिस्किट भी आ जाए, बिस्किट भी दे रहा हूँ। और ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है? ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी आता है, अपना भी टिकट लगता जी, आपका सब मिला के इतनी है। बिल्कुल। और मैं हावड़ा जाने वाला हूँ 2 दिन में। हाँ, और ये अपने नेपाल के साइड भी जा रहा हूँ, नेपाल कोई रहते भी कॉल कर सकते। कितना टाइम लगता है अजमेर नेपाल जाके आने? नेपाल के करीब जाने के लिए 36 घंटे लग रहे भैया, खाली जाने जाने 36 घंटे, आने 36 घंटे। तो क्या चार्जेस हैं नेपाल के? नेपाल के 2,800 रुपये आ रहे, 2,800 अपना टिकट लग रहा है। और हैंड लगेज जो सो ट्रांसपोर्टिंग में बिल्ली के साथ में जो बास्केट लग रहा है, हैंड लगेज 200 रुपये लग रहा। तो आने जाने का खर्चा 2,800? नहीं, एक जाने का सिर्फ 2,800 रुपये, आने का 2,800 रुपये। हाँ, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं यहाँ से ऑलरेडी जा रहा हूँ 4 बिल्लियाँ लेके उधर ट्रांसपोर्टिंग, बास्केट को 3,000 रुपये दे रहे हूँ। नेपाल तक भी पहुंच गया? हाँ, नेपाल तक पहुंच। बहुत अच्छी बात है। परसों हावड़ा जाके आया, कटियाल भी जाके आया हूँ, अब नेपाल जा रहा हूँ, फिर हावड़ा से फिर से हावड़ा जाने वगैरह के लिए। क्या बोले? दिल्ली वगैरह के, दिल्ली वगैरह के लिए कर रहे हैं कस्टमर, हमारी ट्रांसपोर्टिंग देने परेशान हो जा रहे, पीछे हट जा रहे। अच्छा, वहाँ भी मिनिमम 3,000 रुपये लगता है। ओके, जाके आने। ठीक है, चलिए। तो अब सारी डिटेल तो आप लोगों को मिल ही गई, आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके डिस्क्रिप्शन के नंबर पर बात कीजिए अजीम भाई से। इसी तरह और बहुत सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।